मोमोज आइसक्रीम बनाने वाले को आप कितने नंबर देंगे? अगर आपको कोई पेस्ट्री पकोड़ा बनाता दिख जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे? क्या आप मैगी पकोड़ा खाना पसंद करेंगे? और अगर मैगी मिल्क शेक आपको बनाकर दे दिया जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? और एक पानी पूरी खाने के आपको मिल रहे हैं 1100 रुपए, क्या आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अजीबो गरीब बनने वाली चीजें, जिन्हें देखने के बाद खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करेगा और बनाने वाले को गाली देने का मन जरूर करेगा, वह बात अलग है। चलिए शुरू करते हैं वर्स्ट स्ट्रीट फूड का वीडियो। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अगर यह गंदा खाना देखकर उल्टी आए तो तुरंत बाथरूम में भागिए। सबसे पहले शुरू करते हैं मोमोज आइसक्रीम के साथ। जी हाँ, हमें पता है मोमोज आपको बहुत पसंद है और मोमोज आइसक्रीम का नाम सुनकर आपका चेहरा गुस्से में लाल हो गया होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। पिछले वीडियो में हमने आपको बिरयानी आइसक्रीम और मोतीचूर आइसक्रीम दिखाई थी और आज हम आपको बता रहे हैं मोमोज आइसक्रीम के बारे में। मोमोज आइसक्रीम बनाने के पहले मोमोज बनाए जाते हैं, फिर उनको आइसक्रीम बनाने वाली स्लेट पर डालकर आइसक्रीम के साथ मैश कर दिया जाता है और उसकी आइसक्रीम बनाकर खाने के लिए दी जाती है। नाम सुनकर ही समझ आ गया था कि यह डिश बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होगी। और एक बार फिर स्ट्रीट फूड बनाने वाले लोगों ने हद कर दी है और पेस्ट्री पकोड़ा बनाकर पेस्ट्री को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, एक स्ट्रीट फूड वाला देखा गया है जिसने पेस्ट्री के टुकड़े काटकर बेसन में डालें और फिर उसके पकोड़े बनाएं, जिसे देखने के बाद पेस्ट्री खुद चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे साथ इतना अत्याचार मत करो। लेकिन इनका इतने में भी पेट नहीं भरा, इसीलिए इन्होंने मैगी पकोड़ा भी बनाना शुरू कर दिया। उसके लिए सबसे पहले मैगी को बनाया गया, उसके बाद उसे बेसन में डुबोकर उसके पकोड़े बनाए गए और उसे 100 रुपए प्लेट पर बेचा भी गया। मैगी पर तो लोग इस तरह से अत्याचार करते हैं जैसे मैगी उनके नौकर है। भाई, जिस दिन मैगी बनाने वालों ने यह सब देख लिया ना, इंडिया में मैगी बेचना ही बंद कर देंगे। और उसके बाद आता है ये वीडियो, जिसे देखने के बाद मेरे हिसाब से बनाने वाले को नहीं बल्कि ये डिश खाने वाले को सूली पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मैगी मिल्क शेक अगर कोई खा सकता है या पी सकता है या पता नहीं इसका क्या कर सकता है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन कैसे कोई मिल्क शेक के साथ मैगी डालकर दे सकता है और खाने वाला खा भी रहा है? कोई जाकर इन्हें बताता क्यों नहीं है कि यह पाप है पाप? लेकिन एक आदमी ऐसा भी है जो खाने के पैसे लेता नहीं बल्कि देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पानी पूरी वाले के बारे में जो लोगों को चैलेंज करता है कि अगर किसी ने उसकी एक पानी पूरी भी पूरी खा ली तो वह कैश 1100 रुपए देगा। चलिए बताते हैं आखिर कौन है असल में। एक बंदा बाहुबली पानी पूरी के नाम से पानी पूरी देता है, एक बड़ा सा पूरी होता है, उसके अंदर 4-5 तरह के पानी भरे जाते हैं, फिर उसे पर आलू का पहाड़ बनाया जाता है, उसके ऊपर दही डालकर और थोड़ी सेव डालकर खाने के लिए दिया जाता है। जो इंसान इस पूरी बाहुबली पानी पूरी को एक बार में खा लेगा, जिसका पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो बनाने वाला आदमी खाने वाले आदमी को 1100 रुपये कैश देता है। वैसे यह सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या आप इस बाहुबली पानी पूरी को ट्राई करके 1100 रुपये जितना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।